जनपद संभल के चंदोसी नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष ने श्री राम मंदिर शिलान्यास के दिन को ऐतिहासिक दिन बताया। जनपद संभल के चंदोसी नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष ने श्री राम मंदिर शिलान्यास को ऐतिहासिक दिन बताया। आपको बता दें कि कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में कल श्री राम मंदिर का भूमि पूजन करके शिलान्यास किया था, जिस पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कल के दिन को ऐतिहासिक बताया। जो मंदिर का शिलान्यास हुआ उसके बाद आपके घर पे कार्यक्रम हुआ, क्या कहना चाहेंगे? जी, कल का दिन तो बहुत बड़ा दिन था, मैंने अपने वीडियो में कहा है ऐतिहासिक दिन था। हमारे भारत में ही नहीं, अमेरिका जैसे देश में भी लोगों ने इस जो 500 साल से संघर्ष चला आ रहा, भगवान राम जो हमारे हिंदुओं के इष्ट देव हैं, उनके प्रति हमारी भावना है मर्यादा पुरुषोत्तम, जिनसे हम लोग अपने बच्चों में संस्कार, अपने परिवारों को संस्कार देते हैं, तो उस मंदिर के लिए संघर्ष चला, बड़ा समर्पण किया लोगों ने, बड़ा त्याग किया, उसका परिणाम कल संघर्षों के बाद निकला। और जब देश के ओजस्वी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने उसकी नींव डाली, पूजन भूमि पूजन किया, तो भारत के प्रत्येक नागरिक के मन में उत्साह था, जोश था, भगवान राममय हो गए व्यक्ति लोग, तो हम लोग भी कहाँ रुक पाते अपने आप को, हमें लगा, हमने भी कहा भगवान का गुणगान करो, भगवान श्री राम का गुणगान करो। जहाँ एक तरफ कोरोना चल रहा है, कोरोना भी देखिए अपनी विदाई की ओर है, जाने की ओर है, इधर अच्छे दिन शुरू हो गए हैं, भगवान राम का मंदिर बनेगा तो विश्वविख्यात होगा। वो मंदिर में समझती हूँ कि बाहर भी लोगों में बड़ी जोश है और जोश भावना से देख रहे हैं कि भाई ऐसा अयोध्या में कैसे मंदिर का निर्माण होगा, एक अलग छवि है, एक अलग भावना है, लोग जुड़ते चले जा रहे हैं और सभी के मन में ये एक भावना है कि कैसे मंदिर बने, कैसे जाने को मिले। लेकिन वो तो कोरोना के रहते लोग नहीं पहुंच पाए, तो लोगों ने अपनी भावनाओं को अपने घर पे रह के व्यक्त किया, दीपक जलाए, रोशनी जलाई और गुणगान किया ईश्वर का, सभी भगवान राममय हो गए। तो हम कहाँ बचते, तो हम लोगों ने भी कहा कि चलो भाई भगवान राम का गुणगान किया जाए, दीप जलाए, भजन कीर्तन किया, आनंद आया, वही तो आनंद आता ही रहेगा। एक युग परिवर्तन हुआ है, एक नए युग का निर्माण शुरू हुआ है कि हमारी आगे वाली पीढ़ियाँ भी याद रखेंगी कि हाँ अयोध्या में जो 500 वर्षों से चला आ रहा संघर्ष, आज हमारे रहते हमारे आप हम और आप साक्षी हैं कि अयोध्या में राम मंदिर का भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। हमारे रामलला जो आज तक जो टेंट में पड़े थे इतने सालों से, बनने से जब शुरू हुआ क्लेश, उसके बाद से आज वो उनकी भूमि पूजन हुई है। भूमि पूजन सोचिए कितना भव्य मंदिर बनेगा, तो जब रामलला वहाँ विराजेंगे तो सभी भावनाओं से, भक्ति भाव से ओतप्रोत हो जाएंगे, आपको भी आनंद आएगा, हमें भी आनंद आएगा। और इस तरह से आनंद उठाते रहिए, भगवान का गुणगान करते रहिए।